हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है मंडे और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस जा चुके हैं और मैंने इधर अभी क्रियांश को नहला दिया है, वो तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। क्रियांश, सो मौसम तो आज अच्छा है क्योंकि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रियांश कितना बदमाशी करता है, अपनी मम्मा को कितना परेशान करता है। ये देखिए इसको दूध चाहिए। प्रियांश प्रियांश प्रियांश, स्माइल दे दो प्रियांश। ये अपने टॉय से खेलता ही नहीं है, इतना शैतानी करता है ना, कुछ कहने का नहीं। अभी इसने दूध भी नहीं पिया, इसका दूध का बॉटल भी ऐसे ही, ये देखिए। नहीं ठीक है, बोलो दादा दादा। ये बस बॉटल लेके खेलना चाहता है। प्रियांश प्रियांश यहाँ सो चुका है अपना दूध पी के। अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मैं आपसे नहा के मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं एवरीडे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लैक्मे का एब्सोल्यूट पोर फिक्सर टोनर यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से ड्राई होने देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सौंदर्य का एलोवेरा जेल, केसर और चंदन यूज़ करेंगे। ये कल मैं आपको दिखाई थी ग्रोसरी शॉपिंग में और आज मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो इसको ज़्यादा नहीं लेना है, बस इतना लेना है। नीतरी का मॉइस्चराइजर भी है। भी थोड़ा सा छोड़ दें और ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इसे ड्राई हो चुका है, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, ये लैक्मे का लिप बाम यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं जल्दी अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे। उसके बाद मैं ये लोटस का सिंदूर लगाती हूँ। तो बस ये मैं सिंपल सा मेकअप है एवरीडे का। उसके बाद मैं ये उंगली से निवाल झाड़ लेती हूँ। उसके बाद गर्मी ज़्यादा है इसलिए बालों को फोल्ड कर लेती हूँ प्रेशर लगा के। क्या देख सकते हैं आप मेरा। अब
देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमें ये ड्रेस पहना है। तो आई होप कि आपको मेरा डेली मेकअप रूटीन, मेरा सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन, जैसे मैं वीडियो डालूँगी अपलोड करूँगी, आपको तुरंत मिल जाएगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। पूजा भी हो चुका है, आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। इधर मेरी मैगी रेडी है तो अब मैं इसको खाने के लिए चलती हूँ। फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं मैगी बना के खा लूँ। और ये रहा क्रियांश, मैं तो मैगी बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तेज से भूख लगी थी। मैगी कैसे उसको पसंद है। पूजा भी कम्प्लीट हो चुका है तो अभी मुझे थोड़ा भूख लग गया, तो चलते हैं देखते हैं कुछ खाने के लिए है कि नहीं। मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। हाय गाइस, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो ये रहा दो मिठाई, ये है राजभोग और ये है ब्लैक जामुन। किसी को मिठाई पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को मिठाई बहुत पसंद है। तो चलिए इसे खाते हैं। अगर आपको भी खाना है तो आप प्लीज़ अपने साथ भी मिठाई लेकर के और मेरा वीडियो को इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए इस मिठाई के अंदर केसर भी है। सो अगर आप लोग को खाना है तो आप भी खा सकते हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए। बहुत रिलीफ मिल रहा है मीठा खा के। मैंने एक मिठाई तो खा ली है, अब ये ब्लैक जामुन की बारी है। सो यम्मी। सो ये मेरा लास्ट बाइट है। मैं पूरा खा चुकी हूँ तो ये मुझे बहुत पसंद है। दोनों मिठाई, दोनों मिठाई बहुत यम्मी था। वैसे मैं स्वीट लवर नहीं हूँ, मुझे नमकीन ज़्यादा पसंद है, पर आज मुझे बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था और ये वाकई में काफ़ी टेस्टी है। ये देख सकते हैं क्रियांश चख चुका है। क्रियांश, ये देखिए गंदा बच्चों की तरह रो रहा है। क्रियांश, 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 गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून क्रियांश। सो गाइस, अब एक बच चुका है, अब आप बताइए कि वहाँ सब क्या कर रहे हैं। और ये क्लचर मुझे बहुत ज़्यादा गर रहा था इसलिए मैंने क्लचर को खोल दिया है। सो आप लोग बताइए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोग इस टाइम क्या करते हैं। और मैं तो अभी क्रियांश के साथ थोड़ी देर खेलूँगी और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्रियांश, 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 मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। अब देखिए अब क्रियांश को, देखिए बुला रहे, आ जाओ। Oh.
क्या? देखो इधर, देखो इधर, देखो ये, देखो कौन है, ये देखो कौन है, क्रियांश। नहीं स्टॉप। Da-d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 a. क्या चाहिए बोलो? दोपहर का 2:30 बज रहा है, प्रियांश मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं इसको गैलरी में लेकर के जा रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा मैंने प्रियांश को बालकनी में घुमाया और वो सो गया है। ये देखिए सोते वक्त कितना प्यारा लगता है। सो मैं आपको मिलती हूँ किचन में अभी। फ्रेंड इस टाइम मुझे बहुत भूख लग गई, 3 बज रहा है और चलते हैं कुछ बनाते हैं अपने लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं बस अपने लिए ओट्स बना रही हूँ, मसाला ओट्स। मुझे मसाला ओट्स काफ़ी पसंद है। तो इधर मैंने पानी बॉयल करके चढ़ा दिया है, अब हम इसके अंदर ओट्स डाल देंगे। ये देखिए पानी हमारा बॉयल हो चुका है, मसाला ओट्स डाल दिया है, अब हम इसको स्टर कर देंगे। सब कुछ देख के हम ढक देंगे, ये हो जाएगा। फ्लेम भी हम थोड़ा मीडियम कर देंगे ताकि इसमें जो मटर वगैरह है सब अच्छे से पक जाए। हम इसको ऐसे करके ढक देते हैं, 5 मिनट के बाद हम देखते हैं। फ्रेंड चलते हैं, देखते हैं कि मेरा ओट्स प्रिपेयर हुआ है कि नहीं। तो मैं इधर किचन में आ गई हूँ, देखते हैं। हमारा ओट्स बन गया है, उसको मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ तेल में ताकि जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स ये मेरा ओट्स रेडी हो चुका है, ये रहा बाबू का दूध भी रेडी हो चुका है, चलते हैं। 6 बज रहे हैं और बाहर बहुत अच्छा मौसम होके रखा हुआ है, और बाहर बारिश हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर, बहुत अच्छा लग रखे रखा है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मतलब ज़्यादा भी नहीं हो रही, एकदम हल्की हल्की हो रही, पर बारिश हो रही है। यहाँ पर एक
आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग मुझे बताइएगा, और किस किस जगह पे बारिश हो रही है ये भी मुझे बताइएगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सांस दिखा दी हूँ, चलते हैं। देखिए प्रियांश यहाँ बैठा हुआ है, मेरे पास अब मेरे को इधर खाना बनाना है, तो इधर मैं आज पालक पनीर बना रही, इसलिए मैंने पालक को बॉईल कर लिया है। इसका रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर में। गाइस अब मैं पालक पनीर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये रहा पालक, ये रहा पनीर, ये रहा प्याज, मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इधर देखिए प्रियांश जो है ये खेल रहा है। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। सो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे चैनल को, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, एक छोटा बच्चा होते हुए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए और भी सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।